ना पीछे से बस हिलाना खड़े हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। वर्कर्स कन्वेंशन थी ये तो आपने जलसा बना दिया उसको। अच्छा खामोशी खामोशी ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। और जो सामने खड़े हैं आपने बिल्कुल खामोश रहना, आपने बिल्कुल खामोश रहना क्योंकि आवाज नहीं जाती फिर पीछे। बैठ जाए आराम से आराम से। मेरी रोजे में आया हूं आपसे बात करने के लिए, आराम से मेरी आप बात सुने आप। बस चुप, यहां जितने खड़े हैं आपने चुप रहना, हाँ बोलना नहीं, आवाज नहीं जाएगी वहां से। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे साउथ पंजाब के कारकुनों, मेरा असल मकसद यहां आने का एक ही है और मैं वो चाहता हूं कि आप बड़ी खामोशी से सुने। मैंने आपको कॉल देनी है इस्लामाबाद की। और ये जो मेरी इस्लामाबाद की कॉल होगी, चुप चुप चुप, ये हमारे 75 साल मुल्क में ये हमारी सबसे अहम तहरीक होगी और ये होगी हमारे मुल्क की हकीकी आजादी के लिए। मैं चाहता हूं कि जितने मेरे कारकुन हैं, मेरे MNAs हैं, मेरे MPs हैं, मेरे अहदेदार हैं, आपने सबने मेरी कौम को तैयार करना है। साउथ जनूबी पंजाब के मेरे लोगों को आपने इस्लामाबाद के लिए तैयार करना है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद, ये मैं चैलेंज करता हूं कि इसने इतनी बड़ी आवाम का समुंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं इस्लामाबाद आया होगा जो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, 20 लाख लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इसका मकसद होगा जो बैरूनी साजिश इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके इस मुल्क के ऊपर एक चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं कि हमने इस साजिश को नाकाम करना है और हमने इस मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं ताकि जो अवाम फैसला करे वो लोग मुल्क की क्यादत करे। कोई बैरून मुल्क साजिश करके 3 स्टूजेस उनके गुलाम इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं हो सकते। इसके लिए मैं फिर से आपको कहता हूं, या हमारी ख्वातीन कारकुन भी हैं, आप सब सुन लें, आपने बच्चे बच्चे को तैयार करना है पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं हमारे जो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये जो शहबाज शरीफ मीर जाफर, ये वो आदमी है
जिसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, इसको सिर्फ इसलिए इसको हमारे ऊपर मुसलत किया गया क्योंकि ये कभी भी बाहर की कुवतों के मफादात, कभी भी ये उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाएगा और अपने लोगों को उनके मफादात के लिए कुर्बान करेगा। जिस तरह इसके भाई और आसिफ जरदारी ने, उन्होंने जब 400 ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे किए गए, दोनों से एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला कि किसी तरह अमेरिका को कहें कि ये सारे इंसानी हकूक ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ था, एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि इस माफिया का पैसा इस मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है और जिसका भी मुल्क से बाहर पैसा पड़ा हो वो कभी साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज नहीं बुलंद करेगा। बस करो, आराम से करो, हिल रहा है। मैं इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज में एक पूरा करप्शन का वाइट पेपर, ये जो शरीफों की करप्शन है इसके ऊपर मैं वाइट पेपर्स, जिसमें कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कितना पैसा चोरी किया, ये सारा मैं कौम के सामने रखूंगा ताकि इस कौम को पता हो कि जो बाहर के, ये जो बाहर के साम्राज्य हैं, इन्होंने किस किस्म के लोग इस मुल्क पे मुसल्लत किए हैं सिर्फ इसलिए कि ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो मेरे साउथ पंजाब के कारकुनों, गौर से सुनो, इस्लामाबाद के लिए जो मेरी कॉल है वो इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगी कि क्या हमने आजाद मुल्क बन के रहना है या गुलाम बन के रहना है। सब आप इस हकीकी आजादी की मार्च के लिए तैयार हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। और मेरी दूसरी बात सुने, ये जो माफिया हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये याद रखें, ये माफिया दो तरह चल रहा है, 30-35 सालों से दो तरह ये माफिया चलता है। एक कि ये पैसे दे के, लालच दे के अपने साथ लोगों को मिलाता है, जिस तरह हमारे लोटों को पैसे दे के उनके जमीन खरीदे गए। माफिया का ये किरदार कुशी करते हैं, ये लोगों को खौफ दिलवाते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये वो शहबाज शरीफ है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं, मुखालिफों को मरवाया। ये वो शरीफ माफिया जिसने बेनजीर और उसकी वालदा की तस्वीरें हवाई जहाज से लाहौर के ऊपर फेंकी, उनकी फेक तस्वीरें। ये वो माफिया है जो एक खातून मुसलमान होके पाकिस्तान आई, उसके ऊपर इन्होंने यहूदी लॉबी की पूरी कैंपेन चलाई, उस जमाइमा के ऊपर इन्होंने झूठा टाइलों का केस किया अदालत में, उसको एक साल केस में डाला, जबकि वो वाजे हो गया था फोरेंसिक टेस्ट से कि वो टाइलें एंटीक नहीं थी, उसके बावजूद एक साल उन्होंने उसको अदालतों में खपाया।
ये वो लोग हैं जिन्होंने खातून से मेरे ऊपर 2018 के इलेक्शन में किताब लिखवाई पैसे देके, और ये अब फिर ईद के बाद मेरी किरदार कुशी करेंगे। इनके लिए मेरा पैगाम है कि मैं आपका तब तक मुकाबला करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। आज अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं, ये सारे पाकिस्तानियों की जंग है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहते हैं। अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम आजाद मुल्क बनना चाहते हैं हमें जद्दोजहद के लिए तैयार बना होना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे मेरे पाकिस्तानियों तो अल्लाह ऐसे ही रखेगा। ये बाहर के पुतलों को हमारे ऊपर मसलत रखेगा। इसलिए ये इस्लामाबाद की जो मार्च है वो इस मुल्क का फैसला करेगी कि मुल्क किधर जाएगा। और दूसरी बात, अल्लाह हमें हुक्म देता है अपनी आजादी के लिए जहाद करो, जंग लड़ो। दो तरह की जंग होती है, एक हथियारों से और एक अपनी जबान से। ये वाली जो जहाद है ये हम अपनी जबान से लड़ेंगे, हम जगह जगह जाके लोगों को कायल करेंगे, तैयार करेंगे इस माफिया के खिलाफ। और ये जो साजिश की गई कि बाहर प्लानिंग की गई, इनको साथ मिलाया गया, हमारे एम्बेसडर को बुला के वॉशिंगटन में धमकी दी गई कि जब तक आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर उसे हटा दिया तो माफ कर दिया जाएगा। सुने, ये हमारे 22 करोड़ लोगों की तौहीन कि वो हमें माफ कर देंगे अगर हम इस चोर को, इस बूट पॉलिशर को, इस चेरी ब्लॉसम को अगर हम इस मुल्क के ऊपर बैठा दें। अमेरिका में तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं। हम इस मुल्क में जो भी आएगा अब वो अवाम की ताकत से आएगा, जिसको अवाम मुंतखब करेगी वो ऊपर आएगा। तुम्हारी साजिश करके एक डाकू को, एक चोरों के खानदान को, एक बेल के 60% वजीर बेल के ऊपर हैं, उनको ये मुल्क कभी कबूल नहीं करेगा। हाथ खड़ा करके बताएं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इसके लिए मैं जरा ये बता रहा हूं, आप सब तैयार हैं, आप निकलेंगे, लोगों को कायल करेंगे। और मैं अपने किसानों को तैयार करना है, क्योंकि किसानों को पता है कि जितना फायदा किसानों को हमारी हुकूमत में हुआ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उनको फसलों की कीमत दिलवाई गई, उनकी मदद की गई, और ये
इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते साथ ही किसानों को सबसे बड़ा मसला डीजल नहीं मिल रहा, आजकल कटाई का वक्त है, चीजें हर चीज महंगी होगी, अभी भी घी महंगा हो गया, अभी ये पेट्रोल और फजल रहमान को महंगा करेंगे। और इन चोरों के टोले से मुल्क संभाला नहीं जाएगा, इसलिए भी हमारी इस्लामाबाद की मार्च सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसको कामयाब करें, 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेके जाएं। अच्छा, अब आखिर में मैं साउथ पंजाब सूबे की बात करना चाहता हूं। हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे, उसके ऊपर हमने पूरा जोर लगाया, उस्मान बुज़दार ने पूरी कोशिश की, सेक्रेटेरिएट बनाया साउथ पंजाब का, और हमने असेंबली के अंदर टेबल कर दी है, हमने बिल टेबल कर दिया है कि साउथ पंजाब का सूबा बनाया जाए। आप इंशाल्लाह मुझे दो तिहाई अक्सरियत देंगे और मैं इंशाल्लाह आपको साउथ पंजाब का सूबा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और मैं खास तौर पे आज अपनी वकला बरादरी को कहता हूं कि आप भी तैयार हो, आपने सबने मेरे साथ हकीकी आजादी की जंग लड़नी है, अदालतों में भी लड़नी है, सड़कों पे भी लड़नी है। मैं अपने किसानों को भी कहता हूं, अपने डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, नौजवानों को, अपनी ख्वातीन को, ये याद रखें, ये पाकिस्तान की जंग है और आपने सबने इसमें शिरकत करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।